नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, जहाँ पे एक तो हम लोग ने डिस्कस किया कि जो वेक्टर है इसको हम लोग ने बोला एज अ कैरियर, ये ट्रांसफ़र करने वाला है डोनर से डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट सेल, इसीलिए इस वेक्टर को वी ऑल्सो कॉल इट एज अ वहीकल, इसको हम लोग बोलेंगे एज अ वहीकल। सो इस वेक्टर डीएनए को हम लोग बोलेंगे एज अ वहीक्यूलर डीएनए, इट्स अ वहीक्यूलर डीएनए जो ट्रांसफ़र करेगा द डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट सेल, बराबर। और ये जो डिजायर्ड जीन इस वहीकल में बैठ के जाने वाला है, इस डिजायर्ड जीन को हम लोग बोल देंगे एज द पैसेंजर, समझ में आया। तो इस डिजायर्ड जीन जो डोनर से लिया है उसको हम लोग बोल लेते हैं पैसेंजर डीएनए। तो ये पैसेंजर डीएनए इस वहीकल में बैठ के होस्ट सेल में डालने वाला है। इस पैसेंजर डीएनए को एंट्रेंस में और भी अलग नाम से बोला गया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलियन डीएनए। अबे ये कौन सा एलियन है, इस सेल के लिए तो वो एलियन ही है क्योंकि बाहर से आया है, या फिर इसको हम लोग बोल लेते हैं एज अ फॉरेन जीन, फॉरेनर आया है, फॉरेनर बाहर से कुछ नया चीज़ आया है। तो एडिशनल टर्मिनोलॉजी तुम लोग को पता होना चाहिए, वहीकुलर डीएनए अगर यूज़ किया दैट इज़ द वेक्टर, पैसेंजर डीएनए इज़ द डोनर जिसको एलियन डीएनए या फॉरेन जीन भी एंट्रेंस में यूज़ कर सकते, सिंप्लीफाइड। फिर डिस्कस कर रहे थे प्लाज्मिड क्या होता है। नाउ प्लाज्मिड नॉर्मली होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के पास नॉर्मली उसके सेल में एक उसका मेन डीएनए होता है और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उस एक्स्ट्रा डीएनए को हम लोग बोल लेते हैं प्लाज्मिड्स। तो उस एक्स्ट्रा डीएनए को भी कॉल इट एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का खास बात ये होता है कि ये खुद से अपना कॉपी बना सकता है, कॉपी बना सकता है मतलब वो कर सकता है रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन भी इस तरह से कर सकते हैं कि उसको मेन क्रोमोसोम का परमिशन का जरूरत नहीं है, खुद से ही बना सकता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एज ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन। तो प्लाज्मिड जो है वो ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन कर सकते हैं, इसीलिए उसके अंदर हम लोग एक डिजायर्ड जीन डाल सकते हैं और डिजायर्ड जीन अपना कॉपीज बनाएगा, मतलब व्हेन इट एंटर्स इनटू द होस्ट सेल वो कॉपीज बनाएगा, और उस कॉपीज को हम लोग बोलते हैं क्लोन्स। तो ये वेक्टर को हम लोग क्लोनिंग वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि वो मल्टीपल अपने कॉपीज बनाएगा, सो दैट क्या अपना जीन का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, क्योंकि अगर मैं एक जीन डालूंगा एक जीन से मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो फर्स्ट आई विल अलाउ कि उसका रेप्लिकेशन हो। तो प्लाज्मिड के पास ये क्वालिटी ऑफ ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन जो अपने को काफ़ी बेनिफिट में आता है। तो बैक्टीरिया से भी हम लोगों ने कुछ यूजफुल चीज़ निकालना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ प्लाज्मिड। दूसरा होता है कॉस्मिड। कॉस्मिड क्या है, कॉस्मिड भी एक तरह का प्लाज्मिड ही है, बट उसमें हम लोग एक लैम्ब्डा फेज वेक्टर का कॉम्बिनेशन डाल लेते हैं। लैम्ब्डा फेज इज अ बैक्टीरियोफेज, तो लैम्ब्डा फेज प्लस प्लाज्मिड टुगेदर इज नोन एज कॉस्मिड्स, और ये लैम्ब्डा फेज का जो साइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस साइट, दैट इज नोन एज कोहेसिव साइट। तो इसका कॉस और इसका मिड बन गया कॉस्मिड, समझ में आया, या फिर इसको फेजमिड्स भी बोल सकते, फेज प्लस प्लाज्मिड तो फेजमिड्स या कॉस्मिड्स। और तीसरा है बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, दे आर नॉट बैक्टीरियाज, दे आर वायरसेस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वायरसेस। मोर इम्पॉर्टेंटली प्लाज्मिड हो, कॉस्मिड हो, के बैक्टीरियोफेजेस हो, दे आर नथिंग बट डीएनए ओनली, और इस डीएनए के साथ जब भी हम लोग एलियन डीएनए, पैसेंजर डीएनए कंबाइन कर देंगे, देन वी गेट अ आर डीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर उसका और एक नाम है काइमरिक डीएनए। हाँ, इसको काइमरिक डीएनए बोलो, चिमरिक डीएनए बोलो, शिमरिक डीएनए बोलो, जो बोलना है बोल सकते हैं, बट एसेंशियली इट्स अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट और काइमरिक डीएनए। सो दिस आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ये इतना पता है तो एमसीक्यू सॉल्व करना ईजी रहेगा, ठीक है।